जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है, वो पहाड़ी से लटक रही है। मैंने उससे बूढ़ी भालू आज तक नहीं देखी। अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता। माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना मैंने तुमसे कहा नहीं था। भालू कहाँ है, कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था। पता नहीं आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे। उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था। ये सही दिख रहा है। यम, क्या शानदार खुशबू है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था। तुम गिर सकते थे वहाँ और मैं भी नीचे गिर जाती। बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी, तुम्हें याद है ना? इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से, क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी ना। वो तुम्हारी तरह भागा नहीं, पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं। मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है और काफी हैंडसम भालू है। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है, मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था। तुम जानती हो, बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया। वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ, क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना?
मेला या नेला? बेला, वो किसी बूढ़े ओरैंगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है, ये सच है। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक। बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे डबागी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उसे बिल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी, तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बलू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र अब तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार। और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे। इंसानी बच्चे, मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बल्लू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है, है ना? मैंने बलू को बेला के साथ जाते देखा, ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? Well, नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बलू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? बेला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बलू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। अगर तुम नहीं होते और इकी नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। चबाकी, जंगल में अकेली कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बलू, बगी, बचाओ! भाग
बाघ मुझे लगभग खा ही गया था। अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू, मैं। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ, इकी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। बल्लू इसे गलत मत समझना, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मुझे अपनी गुफा की शांति ज्यादा पसंद है। मेरी गुफा में मैंने कुछ पुराना शहद बचा के रखा है किसी खास मौके के लिए, जैसे कि एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। चलो बलू मछली पकड़ने, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो, मैं भी अच्छी सी ताज़ा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। हम तीनों एक शानदार टीम है। हाँ, और मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो हमारी टीम एक साथ कर सकती है। बहुत बड़ी काली लंबी बालों वाली टांगे हैं। वो मकड़ी तुमसे ज्यादा डरी हुई होगी, तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। लेकिन वो बहुत बड़ी है, एक पेड़ से भी बड़ी। और तुम सब भाग गए। अब पूरा झुंड जंगल में बिखर गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस खतरे और बंदरों के इस तरह जंगल में सभी के इलाके में बिखरने से सभी जानवरों पर असर पड़ सकता है। अगर वो मकड़ी इतनी बड़ी है जितना ये बता रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको साथ मिलकर इस मकड़ी से निपटना होगा और हमारे दोस्तों को उनका इलाका वापस करवाना होगा। अगर वो सच में है तो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार को ले आएगी और जंगल का हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा है, तो अब हम चलें। तब तक के लिए तुम बंदरों का यहाँ स्वागत है। किसी को कोई परेशानी है? हाँ स्वागत है, वैसे मेरे इलाके में तो नहीं है। मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ और ये बंदर मुझे सोने नहीं देते। पता है उन्हें भी आराम नहीं मिलेगा। मेरे कांटे हर किसी को पसंद नहीं आते। मेरे यहाँ भी नहीं, इन बदमाशों ने छुपने की कोशिश में मेरी मांड को तोड़कर बर्बाद कर दिया है। मैं इन सब बदतमीज बंदरों के साथ नहीं रह सकता। जब किसी में से बदबू आती हो तो उसे चुप रहना चाहिए। माफ करना, हम सबके रहने या बच्चे पालने का तरीका एक जैसा नहीं है, इसकी वजह से हमें और बंदरों दोनों को बहुत परेशानी होगी। देखो हमें इस मकड़ी वाली समस्या का समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने कुछ और जानवरों से बात की है कि मैं इन सबकी नेता हूँ और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बंदर यहाँ रहें। वो सबके लिए मुसीबत है। कौन कहता है कि ये मकड़ी हमारे इलाके में घुसने का एक बहाना नहीं है? एक बहाना? जब उसे देखोगी तो डर के भाग जाओगी। हे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तब तक हम इनके लिए अच्छी जगह तलाशते हैं, लेकिन हमारे इलाके के पास नहीं, वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। और मुझसे तो बहुत ही दूर, प्लीज। ठीक है, वो सब यहाँ हमारे पेड़ के नीचे रह सकते हैं। लो बात खत्म, क्या अब हम जाकर देख सकते हैं? हाँ, उन्हें यहाँ रहने दो। नहीं, ये बहुत नजदीक है, इनका शोर मेरी मांड के कोने कोने तक पहुँचेगा। तुम्हारे घर की तरफ, वहाँ जगह नहीं है, तुम्हें और क्या चाहिए? इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा ही। कितने स्वार्थी हैं सब, हमारा झुंड किसी मकड़ी के डर से बेघर बेसहारा जंगल में घूम रहा है। और जरा देखो तुम सबको अपनी शांति की पड़ी हुई है। और अगर वो मकड़ी तुम्हें ही खाने आ गई तो क्या करोगे तुम सब? मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। चिंता मत करो, हम उनके बिना ही कुछ करते हैं, वो बहुत स्वार्थी है। अब मुझे बताओ कि वो मकड़ी कहाँ छुपी है? खंडरों में, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो बहुत बड़ी थी, उसकी 6 बड़ी टांगे थी और वो उन्हें हिला रही थी हमें पकड़ने के लिए। गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। अच्छे से सोना। कहाँ तुम
मुझे नहीं मिले। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जरूर कहीं छुप गए होंगे और डरे हुए होंगे। जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। पर कोई हमें रखना नहीं चाहता, हम कहाँ ढूंढे? हो सकता है वो खंडर में अकेले रह गए हो या मकड़ी ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं हुआ होगा। सब कितने डरपोक हैं, उन्हें से भागते हुए देखकर बड़ा मजा आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कोशिश तो करो प्लीज। शायद तुम्हारे दोस्त ठंडी गुफा में रह गए होंगे। लेकिन उस मकड़ी का क्या? हमें बाकियों का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ, इन्हें वहाँ जाने से ज्यादा झगड़ा करने से मतलब है। हम वहाँ बहुत सावधान रहेंगे, घबराओ मत। वो इंसान का बच्चा लगभग अकेला है और वो जा रहा है ठंडी गुफा की ओर। मैंने देखा है वहाँ पर एक। जानता हूँ, आप चुप रहो और मुझे शिकार करने दो। और मैंने बहुत कस के गांठ बांध ली। इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे बारे में बहुत देर तक सोचोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं एक और गांठ लगा लूंगा। अच्छा हुआ जो तुम सब मिल गए। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा। मुझे लगा मकड़ी ने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। हमें जाना चाहिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या तुम्हें केला खाना है? जब मकड़ी दीवार से बाहर आई तब तुम तीनों कहाँ थे? सो रहे थे, है ना? मैं सोया नहीं था, मैंने मकड़ी को बाहर आते देखा वहाँ से। हाँ सही कहा, मैंने भी देखा था। और तुम सब भागे नहीं? नहीं, हम डरपोक थोड़े ही हैं। सही कहा ना? देखो हमारी बात समझने की कोशिश करो। शांत रहो, मोगली दिखाई नहीं दे रहा। ओ नहीं, वो बिना बताए ही ठंडी गुफा की ओर चला गया है। हाँ, मुझे तो लगता है ट्रिकी भी उसके साथ गया है, क्योंकि वो भी गायब है। अब हमें झगड़ा किए बिना चलना चाहिए। हम सब इसकी तह तक पहुँच सकते हैं। मैंने इतने सालों में पहली बार इस जंगल में किसी बड़ी मकड़ी के बारे में सुना है। इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। मकड़ी कहाँ चली गई? तुम्हारे सामने है। नहीं, मेरे सामने तो नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? अच्छा मैं समझाती हूँ। ए तुम तीनों बदमाश, तीनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर करो। ओह मकड़ी, अब समझ में आया? इन्हें तो मैं देखूंगी, तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। पर उन्होंने शेर खान को तो भगा दिया, और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये तो सच है, हमारी वजह से। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी मोगली, तुम्हें इस तरह खतरे के सामने नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सब झगड़ा कर रहे थे। वैसे भी उस बड़ी मकड़ी वाली बात पर मुझे यकीन हुआ ही नहीं। वाकई क्यों? क्योंकि ट्रिकी ने बताया था कि उसकी 6 टांगें थी। कभी 6 टांगों वाली मकड़ी देखी है क्या? सही कहा, वो ज्यादा नहीं होती। मकड़ियों की हमेशा 8 टांगे होती हैं, 6 नहीं। मैं भी यही कहने वाला था।
क्या आपको मकड़ियों से डर लगता है मालिक? इतनी बेवकूफी भरी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं, शेर खान किसी से नहीं डरता। बहुत जल्दी आप वहाँ से भाग आए। वो मेरे दांत की वजह से अचानक इसमें दर्द शुरू हो गया। आप तो किसी पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे ठंड लग गई है। तुम मेरी बातों पर शक तो नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालिक। क्या तुम करीब से मेरा खराब दांत देखना चाहते हो? तुम कमजोर बेवकूफ कहीं के, तो यहाँ आकर देखो।